neighbor. Theban? देशी भाषा में सारी शिक्षा ये जो विचार आगे रहा है इसके बारे में थोड़ा देखिए शिक्षा का मूल अर्थ क्या है अगर मैं दो बात कहता हूँ फिर से संत परंपरा में शिक्षा क्या होती है सन्यासी परंपरा में शिक्षा क्या होती है संत परंपरा में शिक्षा का मतलब है अपने को जानना बस यही शिक्षा है संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी पढ़ो पढ़िए आपने जरूर पढ़ो आप तो मराठी पढ़ सकते हो ना मैंने तो हिंदी में पढ़ी है मराठी मुझे बहुत अच्छी नहीं आती हिंदी आती तो मैंने हिंदी में पढ़ी है तो उनकी जो शिक्षा की परिभाषा है संत ज्ञानेश्वर की वो ये है अपने को जानो और रास्ता कौन सा है ज्ञान वाला ठीक है अब समझ लू रामदास की पढ़ो दासबोध है ना उसमें शिक्षा की परिभाषा क्या है उसमें इतनी बड़ी परिभाषा है अपने को जानो और अपने आसपास को पहचानो समर्थ गुरु रामदास क्या कहते हैं अपने को जानो वही उपमत जाओ अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसे पहचानो वो है शिक्षा अब हम तो हैं सन्यासी परंपरा के लोग तो हमारी शिक्षा तो वही है जो समर्थ गुरु रामदास वाली है तो अपने को जानना और आसपास को पहचानना ये है शिक्षा अब इसमें शुरुआत करें अपने को कोई आदमी जानेगा तो सबसे आसान तरीका है मातृभाषा क्योंकि मातृभाषा में आप रोते हैं मातृभाषा में हंसते हैं मातृभाषा में गाते हैं मातृभाषा में गुनगुनाते हैं विदेशी भाषा में रो नहीं सकते विदेशी भाषा में गा नहीं सकते गाएंगे तो गड़बड़ हो जाती है और हमारे बच्चे विदेशी भाषा में आजकल गाते हैं रेन रेन गो अवे कम अवे बड़ा सत्यानाश है सोचो रेन रेन गो अवे बारिश बारिश तुम चली जाओ मत आओ क्योंकि मुझे खेलना और बारिश नहीं आएगी और सारे बच्चे यही गाना गाएंगे ईश्वर ने सुन लिया तो तो बारिश नहीं करेगा हम तो भूखे मर जाएंगे क्योंकि भारत के 60% शेतकरी अभी भी पाउस आधारित खेती करते 60% खेती पाउस से ही होती है ठीक है तो विदेशी भाषा में गाएंगे तो फंस जाएंगे तो मातृभाषा में ही गाना पड़ेगा ये पाउस तुम्हारे तो पैसा पैसा तो देशी भाषा में जो गाएंगे उसमें कुछ अर्थ होगा देशी भाषा में जो गुनगुनाएंगे उसमें कुछ अर्थ होगा देशी भाषा में मातृभाषा जो आपकी जबान पे चली है मातृभाषा तो मातृभाषा में गाना मातृभाषा में गुनगुनाना मातृभाषा में नाराज होना मातृभाषा में किसी को गालियां देना मातृभाषा में ये सब आसान है क्योंकि बचपन से सुनी है ना माँ के पेट से निकलते ही सुनी है तो इसलिए सब आसान है तो अपने को पहचानना मातृभाषा में सबसे आसानी से संभव है अपने को पहचानना फिर अपने आस पड़ोस को जानना हमारे पड़ोस में सब कुछ है पूरी दुनिया मैं यहाँ गोवा में हूँ तो गोवा के आस पड़ोस में जो भी कुछ है मुझे मालूम होना चाहिए कर्नाटक में महाराष्ट्र में केरल में सब जगह फिर हमारा पड़ोस थोड़ा बड़ा हो गया श्रीलंका भी हमारा पड़ोस है पाकिस्तान भी पड़ोस है नेपाल भी पड़ोस है उसका भी मालूम होना चाहिए ये पड़ोस और बड़ा होते होते यूरोप आ जाएगा अमेरिका आ जाएगा ब्रह्मांड पूरा इसमें समा जाएगा सबद गुरु रामदास की परिभाषा बहुत गहरी शिक्षा की वो कहते हैं अपने को जानो और अपने पड़ोस को पहचानो ये पड़ोस में पूरी दुनिया समाई हुई है ब्रह्मांड और अपने को जानना पहचानना मातृभाषा में आसान है और पड़ोस को जानना पहचानना भी मातृभाषा में ही आसान है इसलिए शिक्षण मातृभाषा में ही होना वो अच्छा है विदेशी भाषा को सीखना तो ठीक है हमको अंग्रेजी सीखनी है और उसके सीखने के कई कारण हो सकते हैं एक कारण ये हो सकता है कि हमको अंग्रेजी कवि और अंग्रेजी जो राइटर्स हैं उनसे प्रेम है उनको समझना है तो अंग्रेजी सीखेंगे अगर दूसरा कारण ये है मुझे इंग्लैंड में जाके बिजनेस करना है तो अंग्रेजी सीखेंगे उसमें क्या बुराई है तीसरा कारण ये भी हो सकता है
कि दुनिया को अंग्रेजों की नजर से देखना है तो भी अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। कारण भी हो सकते हैं अंग्रेजी सीखने के, तो अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं। हम अंग्रेजी सीखे, फ्रेंच सीखे, जर्मन सीखे, रशियन सीखे, चाइनीज सीखे, जापानी सीखे, जैसे कोंकणी सीखा, मराठी सीखा, कन्नड़ सीखा, तमिल सीखा, तेलुगु सीखा, वैसे सब सीखे। सीखने के लिए कोई रुकावट नहीं है, सीखना तो कुछ भी है, लेकिन अपने जीवन को जानने और पहचानने के लिए उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जो आपने सीखी है दूसरों की मदद से। मातृभाषा में जब आप सीखते हैं कोई चीज या समझते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ में आते हैं। दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे समय बहुत लगता है। एक सामान्य विद्यार्थी को मराठी में कोई गोष्ट सुनाओ, वो आपको एक दो मिनट में वापस सुना देगा कोई गोष्ट, और अंग्रेजी में सुना दो तो 6 महीना लगेगा, हो सकता है साल भर लगे, क्योंकि संभव नहीं है उसके लिए। तो जब ये बात सीधी इतनी सरल है तो हम सब कुछ सीखे मातृभाषा में। विदेशी भाषा सीखनी है तो सीखें, प्रयोग उसका जीवन में कम से कम करें, क्योंकि हमारा पड़ोसी नहीं जानता उस भाषा को, हम जानते हैं अपने लिए सीखे, दूसरों के लिए वो ठीक नहीं। और दुनिया के सभी बच्चे अपनी मातृभाषाओं में जब सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, जब विदेशी भाषाओं में हम सिखाने लगते हैं पीछे रह जाते हैं। और पीछे रह जाएंगे क्योंकि जिस भाषा में आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसमें सीखे हुए आपसे बहुत अच्छे दूसरे बच्चे, अंग्रेजी में इंग्लैंड के सारे बच्चे आपसे अच्छे ही होंगे क्योंकि अंग्रेजी मातृभाषा है उनकी। मराठी में हमारे बच्चे अंग्रेजों से अच्छे होंगे क्योंकि मराठी हमारी भाषा। तो मातृभाषा में शिक्षा हो ताकि हम सीखना जल्दी पूरा कर सकें। और सीखने को इतना है पूरी दुनिया में कि एक उम्र भी कम है, तो आपके पास उम्र तो लिमिटेड है, थोड़ी है, सीखना ज्यादा है, तो मातृभाषा में आसानी से होगा कोई भी सीखना। मैनेजमेंट सीखना हो सकता है, इंजीनियरिंग सीखना हो सकता है, मेडिकल सीखना हो सकता है, या कुछ और सीखना हो सकता है, साहित्य हो सकता है, कथा कहानी गोष्ठ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सीखना मातृभाषा में ही आसान है। तो हमको इतना ही करना है कि भारत के सभी बच्चों को मातृभाषा में सिखाना, बचपन से लेके उच्च शिक्षा तक। और किसी बच्चे को अंग्रेजी सीखनी है तो उसके लिए अलग इंस्टीट्यूशन चलेंगे, वहां जाके भर्ती हो जाए, अंग्रेजी सीखे, हर स्कूल में हर बच्चे को अंग्रेजी सिखाएं, ये अत्याचार नहीं करना। जिनको अंग्रेजी सीखनी है वो अंग्रेजी इंस्टीट्यूशन में चले जाए। अभी मैं यहाँ आया हुआ तो मैंने कई जगह देखा बोर्ड लगे हुए हैं 90 दिन में अंग्रेजी सीखिए। कल मैं एक बोर्ड पढ़ रहा था 30 दिन में अंग्रेजी सीखिए, और अभी पोंडा आया तो 15 दिन में अंग्रेजी सीखिए बोर्ड लगाए। अब जब 15 दिन में अंग्रेजी सिखाने वाले विद्वान यहाँ गोवा में बैठे हैं तो 15 साल क्यों दिमाग खराब करें अंग्रेजी सीखने। दुश्मन से लेकर 15वीं कक्षा तक जबरदस्ती अंग्रेजी सिखाने जरूरत क्या, यहाँ तो 15 दिन में सिखाने वाले है ना, और वो बड़े दावे से कह रहे हैं अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाएंगे 15 दिन, ब्रिटिश एक्सेंट की सिखा देंगे 15 दिन में। तो अपने पास जब इतने हुनर वाले लोग हैं कि 15 दिन में अंग्रेजी सिखा दें तो 15 साल क्यों खराब करना, 15 साल मराठी सीखेंगे, 15 दिन में अंग्रेजी सीख लेंगे। हो सकता है कल को और टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए 7 दिन में ही अंग्रेजी सिखा दे कोई, हाँ हाँ ये भी हो सकता है ना थोड़े दिन में। तो मामला इतना ही है कि मातृभाषा में बच्चों को सिखाना, दूसरी भाषा में अगर सीखना चाहे तो उनको रोक नहीं, वो सीखेंगे। और हमने इसका सिलेबस बनाना शुरू किया है क्योंकि हमें मालूम है 4 साल के बाद जो काम करना है वो अभी करें, 4 साल बाद तो होने ही वाला है ये काम, तो पहले से तैयारी करें। तो सिलेबस जैसे ही मैंने बनाया, अंग्रेजी का हिंदी या मराठी या तमिल या तेलुगु या कन्नड़ या मलयालम, पता है सबसे मजेदार बात क्या हुई,
जो इंजीनियरिंग का सिलेबस अंग्रेजी भाषा में 5 साल का है वो मराठी में मैंने किया तो वो 2 साल का रह गया। पहले हिंदी किया फिर मराठी किया, 2 साल का। माने जितना हम किसी बच्चे को 5 साल में सिखाते हैं अंग्रेजी में उतना ही सिलेबस 2 साल में मराठी में हम सिखा सकते हैं। पता ही कम कैसे हो गया, कम ऐसे हो गया कि उसका 3 साल फालतू अंग्रेजी में जाता है, वो मराठी में नहीं जाने वाला। कंटेंट उतना ही सीखता है वो जो 5 साल में हो 2 साल। ऐसे मैनेजमेंट का बनाया तो मैनेजमेंट का 2 साल का एमबीए का सिलेबस 6 महीने में बन गया। मैंने 6 महीने में ही हम उतना सिखा देंगे जो 2 साल में एमबीए में सिखाया जाता है। और 1 कक्षा से 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम में जितना बच्चा सीखता है वो 3 साल में ही सीख लेगा 1 से 12वीं तक का पूरा सिलेबस खाली मराठी करने से। तो मतलब ये है मातृभाषा में पाठ्यक्रम आने का सबसे बड़ा फायदा है समय बचेगा विद्यार्थी का। समय बचेगा तो आपका पैसा बचेगा, समय पैसा दोनों बचेगा तो तमाम तनाव कम होगा, टेंशन कम होगा। और इसमें मूल बात है सीखना और सिखाना, परीक्षा नहीं। सीखना है सिखाना है, परीक्षा कहां से आ गई बीच में? अंग्रेजों ने परीक्षा शुरू की थी एग्जामिनेशन ताकि भारतीय विद्यार्थियों को कंट्रोल करके रखें, ताकि मार्क्स उनके हाथ में है तो विद्यार्थियों को जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें परीक्षा की जरूरत क्या, हम तो परीक्षा नहीं लेने वाले। भारत स्वाभिमान का जब पाठ्यक्रम आएगा किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसके पीछे गहरी बात कहना चाहिए। संत गुरु रामदास ने दास बोध में एक बात कही और बहुत गहरी बात कही, वो ये कहते हैं ज्ञान की परीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि ज्ञान असीमित है, भंडार ही भंडार है ज्ञान का, उसकी कोई परीक्षा ले ही नहीं सकता। तो ज्ञान की तो परीक्षा हो नहीं सकती, परीक्षा किसकी हो सकती है? संत गुरु रामदास कहते हैं दास बोध में चरित्र की परीक्षा हो सकती है, चरित्र की परीक्षा हो सकती है ज्ञान की नहीं। तो भारत के विद्यार्थियों की चरित्र की परीक्षा तो हो पाएगी, ज्ञान की कैसे ले सकते हैं? क्योंकि संत गुरु रामदास कहते हैं कि विद्यार्थी का ज्ञान शिक्षक से भी आगे होता है और हमेशा होता है। तो शिक्षक उसको परीक्षा कैसे ले सकता क्योंकि वो तो कम जानता है विद्यार्थी से। तो कम जानने वाला ज्यादा जानने वाले की परीक्षा कैसे ले सकता है? तो हम तो परीक्षा को हटा देने वाले हैं, जरूरत ही नहीं। सीखना है सिखाना है, परीक्षा लेंगे तो चरित्र की ज्ञान की नहीं, तो परीक्षा होगी नहीं, तो परीक्षा के लिए कोई पढ़ेगा नहीं। सबको पढ़ना है सीखने के लिए सिखाने के लिए। इंजीनियरिंग सीखना है परीक्षा पास नहीं करनी, मेडिकल में सीखना है परीक्षा पास नहीं करनी, मैनेजमेंट में सीखना है परीक्षा पास नहीं करनी। और सीखा हुआ ही काम आता है, परीक्षा में पास किया हुआ कभी काम नहीं आता। आप अपनी जिंदगी में सोचो ये बात, आपने कितना पढ़ा, पढ़ा तो बहुत है सबने, और परीक्षा देने के बाद अगले दिन कितना याद रहा, क्यों नहीं याद रहा? क्योंकि काम का नहीं था, एक आपने बना दिया उसको। जब तक तनाव था परीक्षा देने का तब तक दिमाग ने याद रखा, तनाव खत्म होते दिमाग ने पूरा भगा दिया। तो जब आपको याद नहीं आपका दिमाग में पढ़ा हुआ परीक्षा दिया हुआ तो बच्चे से कैसे अपेक्षा करते हैं वो याद करे, क्यों करे? काम ही नहीं आने वाला तो दिमाग तो हटा देने वाला है। तो सीखना है वो याद रहता है, सिखाना है वो याद रहता है, क्योंकि परीक्षा से उसका संबंध नहीं है। तो अभी जो पढ़ाई है परीक्षा आधारित है और परीक्षा मार्क्स आधारित है और मार्क्स किसी के कंट्रोल में है तो माने आप गुलामी में है एक तरह से। हमेशा डर लगता है टीचर को खुश रखो खुश रखो खुश रखो क्योंकि मार्क्स उसके हाथ में।
और वो कुछ भी अंतरंग बके तो भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्योंकि खुश रखना है उसको, क्योंकि मार्क्स उसके हाथ में, कितना भी उन्हें आप बोले क्लास में हाँ हाँ बहुत अच्छा है सर बहुत अच्छा, आपसे बढ़िया तो कोई नहीं पढ़ाता, ये सब मक्खनबाजी क्यों करनी, क्योंकि मार्क्स उसके हाथ में है, मार्क्स क्यों, क्योंकि परीक्षा, परीक्षा क्यों, कंट्रोल हमें हटाना है। और हम तो जो बनाने जा रहे हैं ना सिलेबस, आपको तो हंसी आएगी लेकिन मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, जब भारत स्वाभिमान का कानून बनेगा इस देश में परीक्षा वाला, तो इसमें विद्यार्थी शिक्षक की परीक्षा लेगा, विद्यार्थी ने अगर कहा कि हाँ ये ठीक है वही शिक्षक सिखाएगा, अगर उसने कहा ये बेकार है उसको निकाल बाहर करने में 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि सीखना जिनको है महत्व तो उनकी ओपिनियन का है, सिखाने वाले का कोई महत्व तो नहीं है, वो तो एक नहीं हजार नहीं है वाले, जिनको सीखना वो तय करेंगे हमको इससे सीखना है इससे नहीं सीखना, क्यों नहीं सीखना वो बताएंगे कि इस कारण से नहीं सीखना, जिनसे सीखना वही सिखाएंगे। तो हर साल अध्यापकों को परीक्षा पास करनी पड़ेगी और उसका इवैल्यूएशन विद्यार्थी करेंगे, ऐसी परीक्षा हम लाने वाले हैं। तो जब लोग सब डर जाएंगे, डरने की बात नहीं है इसमें, आपको आनंद आएगा जिंदगी में सीखने और सिखाने का, अभी आपको भी आनंद नहीं आता क्योंकि आप तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते रहते हैं और सारा टेंशन है कि सिलेबस खत्म करना है, क्यों जरूरत क्या उसकी, सीखना तो थोड़ा सा हो ना वो जिंदगी भर के लिए बहुत अच्छा होता है, काम का होता है। तो खुले तरीके से विद्यार्थी सीखेंगे और अध्यापक उनको सिखाएंगे, जिन विद्यार्थियों को शिकायत होगी अध्यापकों से वो तुरंत बदल दिए जाएंगे, उनके सिर पे नहीं रखना है विद्यार्थियों के सिर पे अध्यापकों को नहीं रखना, क्योंकि विद्यार्थी संपत्ति है देश की, उसमें संभावना है आगे जाने की और नया देश बनाने की, अध्यापक तो बन चुका है उसमें अब संभावना खत्म हो गई है। तो एक तो मातृभाषा में लाएंगे पूरा पाठ्यक्रम, दूसरा पाठ्यक्रम में मातृभाषा आते ही समय कम हो जाएगा, तीसरा पैसे खत्म करने हैं शिक्षा में से, पैसे हैं किसी के पास और नहीं है तो भी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि भारतीय दर्शन में शिक्षा चिकित्सा और न्याय तीनों निशुल्क मिलता है सभी को, भारत का दर्शन ये कहता है शिक्षा में पैसे का स्थान ही नहीं है, तो वैसे आधारित शिक्षा नहीं होगी, मतलब फीस नहीं लगेगी किसी भी विद्यार्थी को, बिना फीस के सब पढ़ेंगे, तो आप बोलेंगे फिर स्कूल कैसे चलेगी, स्कूल चलाने के तरीके निकालेंगे, उनमें से एक तरीका ये होगा कि जितने विद्यार्थी और अध्यापक स्कूल को चला रहे हैं उन सबको कहेंगे 1 घंटा चरखा चलाओ, सूत बनाओ, सूत से खादी बने, खादी हम सब खरीदें और स्कूल को फंड्स दें। दूसरा तरीका है सारे विद्यार्थी अध्यापक मिलकर क्षेत्र में जाएंगे, 1 घंटे काम करेंगे, उसमें जो उत्पन्न होगा उसकी आमदनी होगी वो स्कूल में जाएगी। तीसरा काम पास में कोई गौशाला होगी, सारे विद्यार्थी अध्यापक मिलकर गाय की सेवा करेंगे, दूध मिलेगा, दूध बिकेगा तो स्कूल की आमदनी होगी, और हर स्कूल को एक बगीचा देंगे उसमें जो उत्पन्न होगा वो बाजार में बिकेगा, स्कूल उससे चलेगा और उसमें आमदनी जो होगी उसमें शिक्षक का खर्चा विद्यार्थी का दोनों का निकलेगा। मैंने पता है हिसाब लगा दिया, हर विद्यार्थी 1 घंटे रोज चरखा चलाए, हर अध्यापक 1 घंटे रोज चरखा चलाए, ज्यादा नहीं 1 घंटे, तो जिंदगी भर इतनी आमदनी है कि विद्यार्थी स्कूल से जब पढ़कर निकलेगा 10 साल में 12 साल में मान लो तो उसको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए स्कूल देगा निकलते समय, स्कूल में तो कुछ देना नहीं विद्यार्थी को, तो आगे भर्ती होना बस,
अब वो एक घंटे में वो चरखा चलाएगा या एक घंटे क्षेत्र में काम करेगा या एक घंटे गौशाला में काम करेगा, उस काम में से जो उत्पादन होगा वो उत्पादन अगर 14 साल का हम कैलकुलेट करें तो वो 5 से 7 लाख रुपए करता है और उसमें विद्यार्थी का खर्चा 3-4 लाख रुपए हो जाएगा। बचा हुआ उसको हम दे देंगे कि तुम जाओ और अपना कोई बिजनेस और रोजगार शुरू करो, बेकार मत बैठो। ऐसी शिक्षा हम करेंगे और ये हर जगह होगा। जब इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का मैंने कैलकुलेशन किया तो इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का स्किल थोड़ा ऊंचा है, जो ये तो मैंने कहा प्राथमिक बच्चों को जो खेत में काम कर सकते हैं, गाय का काम कर सकते हैं, चरखा चल। इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थियों का जो कैलकुलेशन किया तो उनके 2 घंटे का काम हम कराते हैं किसी इंडस्ट्री में। हम बताए क्या करने वाले, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ देने वाले, हर इंडस्ट्री कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ी रहेगी, हर इंजीनियरिंग कॉलेज किसी न किसी इंडस्ट्री का पार्ट होगा। तो ये सब विद्यार्थी हर दिन 2 घंटे जाएंगे कारखाने में और काम करेंगे उन मजदूरों के साथ मिलकर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो रोज के 2 घंटे का उनका जो मेहनताना है वो 5 साल का हम इकट्ठा करें तो 7-7.5 लाख रुपए हर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को मिल जाएगा जब वो कॉलेज छोड़कर जाएगा। ये जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे इनको हम सब हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ेंगे और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ हॉस्पिटल में काम करना है, फर्स्ट ईयर से ही काम करना है। इंटर्नशिप जो होती है ना वो खत्म करेंगे, उनकी इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाएगी, एडमिशन लेते ही शुरू हो जाएगी और 5 साल वो हॉस्पिटल में काम करेंगे, 7 साल हॉस्पिटल में काम करेंगे। उसका जो मेहनताना निकलेगा वो एक विद्यार्थी के लिए 5-7 लाख रुपए के बराबर होगा। तो पढ़ाई में खर्चा तो कुछ होगा नहीं, उल्टा कॉलेज विद्यार्थियों को देगा जब विद्यार्थी पास आउट होकर निकलेंगे। श्रम का मूल्य स्थापित कराना है, पैसे का नहीं। अभी पूरी शिक्षा व्यवस्था में पैसे की ताकत है, श्रम का कोई महत्व नहीं है। हम श्रम को प्रधानता लाने चाहते हैं क्योंकि भारत के पास सबसे ज्यादा श्रम है, पूंजी हमारे पास उतनी नहीं है लेकिन श्रम हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो श्रम आधारित चलेगा ये सारा सिस्टम, नया स्कूल, नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटीज और नया सिलेबस और नया तरीका पढ़ने और पढ़ाने का तरीका भी नया करने वाले हैं। अभी जो पढ़ाने का तरीका है ये बहुत रद्दी है। क्या तरीका है, एक क्लासरूम है जिसमें सारे बच्चों को भेड़ बकरी की तरह से अंदर भर देते हैं और बैठा देते हैं बेंच पे, जैसे कैदी लोग बैठे रहते वैसे बच्चे बैठ जाते हैं और टीचर हर समय उनको एक ही बात बोलता रहता, शांतता रखा, चुप चुप चुप, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट। अब अगर बच्चा चुप हो गया तब तो मर गया, उसको चुप होना क्यों, भगवान ने नहीं बनाया उसको चुप, आप कैसे कर रहे हैं। वो तो चिल्लाएगा, कूदेगा, खेलेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, क्योंकि कफ की प्रधानता में बच्चा जिंदा रहता है तो कफ तो ऐसे ही होता है। तो वो तो चिल्लाएगा खूब जोर से चिल्लाएगा जितनी ताकत है, रोकेगा कोई नहीं उसको, गाना गाएगा गाएगा, जब उसको मन में आएगा गाएगा, जब उसको मन में आएगा खुद ही मारनी मारेगा। हम उसको डिसिप्लिन के नाम पे बांधने वाले नहीं, क्योंकि ये डिसिप्लिन खतरनाक है। ये डिसिप्लिन के नाम पे सब बांध देते हैं हम, उसके दिमाग को बंद कर देते हैं। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है, 10 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा एक कमरा है, उसमें बेंच लगी हुई है, उसमें आपने लाइन से बिठा दिया, एक टीचर आई उसने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू कर दिया, 45 मिनट में दूसरी टीचर आई, पहले इंग्लिश लिख के गई थी अब मैथमेटिक्स लिखना शुरू कर दिया, 45 मिनट में तीसरी टीचर आई उसने हिस्ट्री लिखना शुरू कर दिया, 45 मिनट में और एक टीचर आई, 5 घंटे में उसको खिचड़ी बना दिया, 45 मिनट अंग्रेजी, 45 मिनट मराठी, 45 मिनट हिस्ट्री, 45 मिनट ज्योग्राफी, 45 मिनट सिविक्स। अब जब छुट्टी हुई और पूछो बच्चे से क्या सीखा तुमने, तो कहना कुछ नहीं सीखा, सब खिचड़ी, गोबर गणेश। ऐसी मूर्खता
पढ़ें, क्या रखा है इसमें, ये नहीं पढ़ाना, फिर कैसे पढ़ाएंगे, हम ऐसे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाना पढ़ाना कुछ नहीं, क्योंकि पढ़ाना बहुत अहंकार की बात है, सिखाना विनम्रता की बात है। कोई कहता है ना मैं पढ़ाता हूं, तो उससे बड़ा अहंकारी कोई नहीं। कोई कहता है मैं सिखाता हूं, तो ठीक है, तो टीचर होगा सिखाने को, पढ़ाने को नहीं, क्योंकि सिखाने में सीखना पहले होता है, समझना है, पहले टीचर सीखेगा फिर सिखाएगा बच्चों, कैसे सीखेगा, हमारा पीरियड तो सवेरे से शाम तक एक ही चलेगा, बदलने वाला नहीं, और क्लास ये 10x10 का है ना, इसमें नहीं चलेगा, ये तो बदलती है, ये तो रेक्टेंगुलर शेप के क्लासेस है ना, ये तो सबसे घटिया डिजाइन है, जेल के कैदियों के लिए बनाए हुए हैं ये डिजाइन, हमने स्कूल में ले आए वो सर। आप मुझे ये बताओ, ईमानदारी से समझ के बताना, दुनिया में कौन सा ऐसा शेप है जो लीनियर है, लीनियर, एक रेखा में, दुनिया में क्या बनाया भगवान ने, कोई पहाड़ लीनियर है, कोई नदी लीनियर है, कोई झाड़ लीनियर है, कोई तालाब लीनियर है, क्या लीनियर है इस पूरे ब्रह्मांड में बताओ, जरा कुछ भी नहीं, जब ब्रह्मांड में कोई चीज लीनियर नहीं है तो क्लासरूम क्यों बना दिया लीनियर आपने, 10 फुट लंबा 10 फुट चौड़ा, तो बेटा कई काम कर, क्लासरूम वैसे ही होना चाहिए जैसी प्रकृति है, क्लासरूम वैसे ही होना चाहिए जैसे ब्रह्मांड है, क्योंकि जब लीनियर क्लासरूम में हम घुसते हैं ना तो हमारी दृष्टि भी लीनियर हो जाती है, एक ही दिशा में हम देखते हैं, एक ही दिशा में देखते हैं, हमारी हालत पता है कैसी होती है, वो एक बैल होता है ना जो कोल्हू चलाता है, थोड़े दिन बाद उसको खोल दो तो खोलने के बाद भी वैसे ही गोल गोल घूमता रहता है, क्योंकि इधर उधर देखना बंद हो जाता है उसका, तो बच्चों को ऐसा थोड़ी बनाना जो इधर उधर देखे नहीं, एक ही दिशा में देखे, तब तो जीवन खत्म हो जाएगा उन बच्चों, तो क्लासरूम तो ये सब हटाने है, तो क्लास कहाँ लगेगा, झाड़ के नीचे लगेगा, या किसी तालाब के किनारे क्लास होते, या किसी पहाड़ के नीचे क्लास होते, या बारिश हो रहा है उसमें क्लास लगेगा। बच्चों को अगर ये बताना है कि पानी क्या होता है तो बारिश में ही क्लास लगेगा, भीगेंगे तो भीगेंगे, आपको अगर सर्दी हो जाएगी तो दवा लाएंगे उनके लिए, ये थोड़ी कि बारिश में भीगना बंद कर दें उनका, बारिश में भिगाएंगे हम, भीगेंगे वो, भीगेंगे वो, महसूस करेंगे पानी को कि पानी शामक है, पानी शीतल है, पानी शरीर को ठंडा करता है, पानी ऐसा होता है, पानी वैसा होता है, तो ये पानी बनता कैसे है, ये ऊपर से बरसता कैसे है, ये वाष्पीकरण क्या होता है, ये समुद्र के ऊपर धूप पड़ती है, तो ये एक एक बारीक बारीक चीजें उनको बताते हुए अंत में लेके आएंगे ये पाउस कैसे होगा। जब उनके समझ में ये बात आ जाएगी तब उनको पानी की कीमत समझ में आएगी, पानी कितने मुश्किल से बनता है, और जब कीमत समझ में आ जाएगी तो उन विद्यार्थियों को बताना नहीं पड़ेगा पानी व्यर्थ मत करो, वो खुद ही समझ जाएंगे। तो हो सकता है हमारी एक क्लास शुरू होगी पानी पर और वो चलेगी 10 दिन 15 दिन चलेगी 20 दिन चलेगी, फिर दूसरी क्लास शुरू होगी शेती पर वो 10-15-20 दिन चलेगी, फिर तीसरी क्लास, ऐसी क्लासेस चलेगी हमारी, ये नहीं 45 मिनट मैथमेटिक्स, 45 मिनट इंग्लिश, 45 मिनट हिस्ट्री, इसमें कुछ नहीं सीख सकते। और इस कक्षा को जब हम चलाएंगे ना, मैं आपसे वायदा करता हूँ आपके बच्चे घर जाना भूल जाएंगे, वो जाएंगे ही घर, वो कहेंगे यही रहना चाला, क्योंकि उनको आनंद आएगा, पाउस में भीगने को मिलेगा, आई नहीं भीगने देती, आई की तो दूसरी प्रॉब्लम है, आईटी प्रॉब्लम दूसरी है, वो ये है कि अगर ये बीमार पड़ा तो खटरा करना पड़ेगा, मुझे खपना पड़ेगा, तो भीगने मत दो इसको, बचाते रखो, आई मिट्टी में भी नहीं खेलने देती उसको, क्योंकि आईटी प्रॉब्लम दूसरी है, और बच्चा मिट्टी में नहीं खेलेगा तो सवाल ही नहीं उठता वो बड़ा हो पाएगा,
मिट्टी खाएगा नहीं, मिट्टी में खेलेगा नहीं, मिट्टी में लौटेगा नहीं, तब तो बोले ही वाला नहीं पड़ा। तो आई की प्रॉब्लम तो लीनियर वाली है, हम ये लीनियर निज़म को तोड़ना चाहते हैं। बच्चों की नजर से देखना है दुनिया को, वो महसूस करते हैं हर चीज को, महसूस करके सीखते हैं, वो महसूस कराना है। आपने देखा छोटे से छोटा बच्चा जब वो घुटने से चलना शुरू करता, हर चीज को मुंह में रखता, क्योंकि यहाँ उसको सेंसेशन सबसे ज्यादा है। ये जो टेक है ना कर्म का, ये उसको सब सिखाता है, और हम उसी को पकड़ते हैं। मुंह में मत ले जा, मुंह में मत ले जा, मुंह में, अब वो मुंह में ले जाकर सीखता है। कई बार तो मुझे लगता है कि आलिम बाबा की क्लास पहले लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो तो दिमाग में बैठे हुए वायरस है ना, ये निकालने पड़ेंगे खींच खींच। तो हमारी जो शाखा होगी वो अनोखी होने वाली है। आई बाबा पहले सीखेंगे, फिर उनके बच्चे बाद में सीखेंगे, ताकि जो बच्चों को सिखाया जाए आई बाबा भी उसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करें घर में, नहीं तो बच्चों की जिंदगी में दुविधा खड़ी हो जाएगी। अध्यापक एक बात सिखा रहा है, आई बाबा उनकी बात करते। तो ऐसी शिक्षा हमने लानी है, आनंद मिले, प्रसन्नता मिले और बच्चे सब सीख जाएं। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि शिक्षा का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि बच्चों को सीखने में आनंद कितना मिल रहा है, वो है सर्टिफिकेट शिक्षा का। बच्चों को कैदी बना के घर में नहीं बिठाना, स्कूल में नहीं। तो ये रेक्टेंगुलर शेप के क्लासरूम हटाने हैं, ओपन क्लासरूम होंगे, ज्यादातर क्लासरूम खुले होंगे। अब बच्चों को हम सिखाएंगे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी कैसे चलती है, क्या होता है, कैसे होता है, तो सारे बच्चे रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहीं क्लास लेंगे। फिर उनको पोस्टल डिपार्टमेंट का सिखाना है, तो सारे बच्चों को पोस्ट ऑफिस लेके जाएंगे, वहां सीखेंगे। फिर उनको बैंक में जाना है, तो बैंक का कार्य व्यवहार कैसे चलता है, सब बच्चों को बैंक में लेके जाएंगे, क्लास उनकी वहां चलेगी। ये स्कूल में क्या रखा है, स्कूल में तो कुछ नहीं, क्यों है ही नहीं कुछ वहां पे, मरा हुआ है सबको, जीवन कुछ नहीं है। तो वहां जीवित चीज है, जंगल लेके जाएंगे उनको, झाड़ को चढ़ाएंगे, वहां सिखाएंगे, नदियों के पास, तालाबों के पास, समंदर के पास, ऐसे स्थानों पे बच्चों को ले जाके सब सिखाएंगे। और सिखाने से पहले महसूस कराएंगे, देखो इसको छू कर देखो, ये रेल का इंजन कैसा होता है, ये कितना गर्म है, इसमें कितनी हीट है, उसके बाद से चीजें शुरू होंगी। सिखाना है, ध्यान रखना है, सिखाना है, पढ़ाना कुछ नहीं, सिखाना, सीखे फिर वो बच्चे दूसरों को सिखाएं, फिर वो आगे सिखाएं। इस तरह की परीक्षा, माफ करना, इस तरह की शिक्षा पद्धति पूरे देश में लाएं। और अंग्रेजों के बनाए गए जो सब्जेक्ट हैं, इनको तो जला देना, कुछ काम के। मैं अपने से पूछता हूं, x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square, मैंने बहुत पढ़ा, मेरे आज तक काम नहीं आया, आपके आया? फिर आपने क्यों पढ़ा? तो आपने ये परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा, तो दिमाग खराब हुआ था आपका और टीचर का दोनों, x minus y whole square आपके काम नहीं आया, मेरे काम नहीं आया, x plus y whole cube आपके काम नहीं आया, मेरे काम, जो काम नहीं आया वो पढ़ाना क्यों? मैंने पढ़ा था अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, जॉर्ज बुश, करूं क्या उसका? मान लो मैं तो मालूम है जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का पहला राष्ट्रपति, करूं क्या उसका, भाजी मिलेगी उससे? मैं भाजी खरीदने लगा, भाजी वाले को काफी को मुझको मांगी है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, वो भाजी देगा? तो जिस बात से भाजी भी नहीं मिल सकती उसका क्या करना नॉलेज का, ये प्रश्न। अकबर महान था, ठीक है, होगा, मैं क्या करूं? मेरे जीवन में जो लोग महान हैं, जिनसे मेरा सीधा लेना देना है, उनके बारे में जानना तो समझ में आता है, मेरे बाबा महान है, मेरी आई महान है, मेरे अज्जोड़ा महान है, मेरी अज्जी महान है, क्योंकि मेरा उनसे सीधा समझ लेगा, तो ताई के साथ उसका व्यवहार बहुत संयम और सभ्य हो जाएगा। तो आई की महानता समझ लेगा,
आई के साथ उसका व्यवहार बहुत संयम और समर्पण वाला हो जाए। बाबा की महानता समझ लेगा, अपने अजोबा की महानता समझ लेगा तो काम आने वाला है जिंदगी में। पर्वत की महानता समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जिंदा है उसके आसपास उनकी महानता उसको समझ में आनी चाहिए। और हम जो हिस्ट्री बताएंगे ना वो लोकल हिस्ट्री पहले बताएंगे, इंटरनेशनल हिस्ट्री में कुछ नहीं निकलता। मैं गोवा में रहता हूँ, गोवा की लोकल हिस्ट्री क्या है? मैं सिंधुदुर्ग में रहता हूँ, सिंधुदुर्ग की लोकल हिस्ट्री क्या है? मैं कोंकण में रहता हूँ, कोंकण की लोकल हिस्ट्री क्या है? मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र की लोकल हिस्ट्री, लोकल ज्योग्राफी, लोकल साइकोलॉजी, लोकल सोशियोलॉजी, ये सब लोकल, क्योंकि काम वही आने वाला है। इंटरनेशनल तो कभी काम नहीं आता दुनिया में, किसी के नहीं आता। तो ये जो इंटरनेशनल होने का भूत सवार है हमारे ऊपर, इस भूत को लोकल की तरफ लाना, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी हमें सीखने सिखाने की व्यवस्था करनी है। तो समझ में आया।